पहले चरण के चुनाव का आज आखिरी दिन है और फिलहाल हमारे साथ है संजीव बालियान चौधरी साहब। आखिरी दिन है आज चुनाव के, जो चुनाव प्रचार है उसका आखिरी दिन है, क्या कहना है इसको लेकर के, रोड शो निकाल रहे हैं आप? हाँ चल रहे हैं भाई, कुछ गांव क्षेत्र बड़ा होता है, आज अपने क्षेत्र में अपने गुआंड में सब जा जाएंगे, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, रोड शो के माध्यम से जल्दी पहुंच पाएंगे। हाँ यही होता है, आज आखिरी दिन है, 5 बजे तक चुनाव प्रचार होना है। कितने गांव ऐसे बचे हैं अभी जहां तक नहीं पहुंच पाए, उन लोगों से कैसे संपर्क करें? 12-14 गांव है, मैं तो लगातार संपर्क में रहता हूँ 5 के 5 साल, कोई गांव ऐसा नहीं जहां 2-3 महीने में जाता हूं, तो मुझे ये समस्या नहीं है कि मैं संपर्क कैसे करूंगा। विपक्ष को लेकर के क्या कहना है, जिस तरह से ठाकुरों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो सभी जिलों में विरोध बढ़ रहा है। स्वतंत्र है, किसी के कहने से कोई कह नहीं जाता, आप देखना आखिर में सब वोट मोदी जी के, योगी जी के नाम पे ही आए, योगी जी और मोदी जी के नाम पर वोट करते हुए नजर आएंगे विपक्ष में। बिल्कुल, आज के रोड शो को लेकर के कहा जाए क्या कहेंगे उसको लेकर, आज आखिरी रोड शो। तो ये थे हमारे साथ केंद्र मंत्री और सांसद संजीव बालियान, जिन्होंने कहा है कि आज का रोड शो कहीं ना कहीं उन गाँव की दूरी को तय करेगा जो अभी से दूर है। कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे आज चुनाव प्रचार बंद होगा और उसके बाद अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि इस वक्त कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार आखिरी चरम पर है और उसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर संजीव बालियान रोड शो करने के लिए निकल रहे हैं। भारी तादाद में जो भीड़ नजर आ रही है, कहा जा सकता है ये वो भीड़ है जो इस वक्त संजीव बालियान को यहाँ पर कहा जा सकता है कि समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 बजे शाम को चुनाव प्रचार थमेगा और उसके बाद कहा जा सकता है कि परसों यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट करते हुए नजर आएंगे और उसी को लेकर के संजीव बालियान ने कहा है कि जो विरोध है वो कहीं ना कहीं परसों खत्म होता हुआ नजर आएगा। कहा जा सकता है कि योगी मोदी के नाम पर चुनाव होने जा रहा है, उसी को लेकर के अगर बात की जाए, आज के रोड शो की अगर बात की जाए तो इस वक्त संजीव बालियान जनता के बीच में आसपास के क्षेत्र में उन गांव में पहुंचने का प्रयास करेंगे शाम 5 बजे से पहले कि जो गांव अभी तक नहीं पहुंच पाए। कहा जा सकता है कि इस वक्त संजीव बालियान का जो काफिला है वो यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। संजीव बालियान इन्हीं काफिलों में, इन्हीं जनता के बीच में लगातार कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार जिस तरह से एंड मौके पर है और कहा जाए कि जिस तरह से